कुक्ड बाय यशी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, हर दिन की तरह आज हम फिर से शेयर कर रहे हैं लौकी के कोफ्तों से बनी हुई एक ऐसी रेसिपी जो कि अब चिकन को भी देने वाला है टक्कर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है एक लौकी, उसे अच्छे से पेल करके कद्दूकस करके उसे अच्छे से हमें निचोड़ करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और ये लौकी को इस तरह से साइड में रख लेना है। अब उसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी बेसन, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालेंगे जीरा, बारीक चॉप किया हुआ मिर्ची, एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, साथ ही टेस्ट के लिए डालेंगे हरी धनिया के पत्ते और थोड़ा सा टेस्ट के लिए जाएगा इसमें नमक। अब इन सारी चीजों को हमें विदाउट पानी ऐड किए हुए इसका एक अच्छा सा डो बना के रेडी कर लेना है। अगर आप प्रिफेयर है स्पून से मिक्स करने का सो देट आप स्पून से मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि इसका जो पानी होगा अगर आप हाथों से मिक्स करेंगे तो सारा आपस में ऑब्जर्व हो जाएगा और ये विदाउट पानी डाले हुए भी अच्छा सा डो फॉर्म रेडी हो जाएगा। इस तरह का हमें डो लगा लेना है और अब इसे रखते हैं साइड में। तब तक हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई में तेल और इसे हाई फ्लेम पे कर लेंगे गर्म। हाई फ्लेम पे गर्म होने के बाद जो हमने बनाया हुआ डो रेडी किया हुआ है उसकी छोटी छोटी सी शेप की भजिया बना करके रेडी कर लेंगे। सारी भजियों को ऐड करने के बाद इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे। जब भी आप तेल में भजियों को ऐड करें तो उसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच ना करें। 3 से 4 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक से ऊपर आने लगती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए गोल्डन होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं साइड में। आप चाहे तो इन भजियों को टी के साथ एज ए स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्थी भी होता है क्योंकि ये लौकी का बना हुआ होता है। आप इसी तरह से इस डो के साथ पराठे भी बना के रेडी कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा हेल्थी होते हैं। बच्चों के टिफिन में भी इसे एज ए स्नैक दे सकते हैं। सारी भजियों को निकाल कर रख देंगे साइड में और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचाकर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई, साथ ही डालेंगे कुछ करी पत्ते, एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। अब इन सारी चीजों को 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पे ये गोल्डन होने लग गया, हल्का सा सुनहरापन आने लग गया। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे ये बनाया हुआ पेस्ट जो कि खड़े मसालों का पेस्ट है। इसकी पूरी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इस मसाले का एक्स्ट्रा पानी ना निकल जाए और इस तरह से ये कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें तेल भी बाहर आने लग गया एंड ये परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, बेसिक से मसाले ऐड करने हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साथ ही जाएगा टेस्ट के लिए लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऑप्शनल है, ऐड कर सकते हैं। सारे सूखे मसालों को हमें एक बार कर लेना है अच्छे से फ्राई एंड ड्राइनेस होने की वजह से हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 कटोरी पानी जिससे कि मसाले जले भी ना और ये पक भी जाए।
पानी डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल लेकर आ जाएंगे। एक उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 ग्लास पानी और साथ ही इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 उबाल आने तक पका लेंगे। इस तरह से जब इसका सूपीपन है उबल जाए तब इसे स्टेज पे हमें ऐड कर देना है बनाए हुए लौकी के भजिए। यहाँ पे आपको जितनी क्वांटिटी में भजिया ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, कम या ज्यादा आपके हिसाब से। सारी चीजें ऐड कर दी हैं, अब इसे हाई फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इस तरह का जब ये कलर चेंज होने लगे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आ चुका है एंड इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है, ना ही ये ज्यादा पतला है एंड ना ही ये ज्यादा गाढ़ा बना है। बाकी क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, जितना पतला खाना आपको पसंद है। अब इसे गार्निश करेंगे बहुत सारी हरी धनिया पत्तियों के साथ। तो लग रहा है ना ये चिकन को टक्कर देने वाली रेसिपी। चलो चलो फटाफट गरमा गरम सर्व कर लो और इंजॉय करो पूरी फैमिली के साथ। जी हाँ, अब आप अपने नॉनवेज लवर को ये वेज वाली चिकन को टक्कर देने वाली रेसिपी ट्राई करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नई रेसिपीज के साथ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, रेसिपीज पसंद आती हैं और डेली अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।